हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर्स के फीचर्स पढ़े और प्लाज्मिड वेक्टर को डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे सेकंड वेक्टर, बैक्टीरियोफेज। देखिए, बैक्टीरियोफेज किस टाइप का वेक्टर है? ये एक वायरस है विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। जो किस पर अटैक करता है? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक कर रहा है उसका यूज़ इस फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बैक्टीरियोफेज के एग्जांपल्स हैं लैम्डाफेज एंड M13, लैम्डाफेज एंड M13। अब क्वेश्चन होता है कि हमने इससे पहले पढ़ा था प्लाज्मिड, कि कौन सा वेक्टर ज़्यादा बेटर है, बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड? तो आंसर है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज इज बेटर देन प्लाज्मिड। व्हाई? बिकॉज इट कैन क्लोन लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स। प्लाज्मिड में लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम कॉपी नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते, बट बैक्टीरियोफेज में 24 किलोबाइट का भी डीएनए फ्रेगमेंट होगा तो वो भी जो इंसर्ट हो सकता है किसके डीएनए के साथ में, बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ में। सेकंड रीज़न इज बैक्टीरियोफेज मेक्स वन प्लाक एरिया। प्लाक एरिया मीन्स क्या होता है? देखिए, प्लाक एरिया मीन्स ए क्लियर एरिया बन जाना किसमें, डीएनए, जहाँ पर ये रिकॉम्बिनेशन हुआ, यानी बैक्टीरिया में एक ऐसा क्लियर इंडिकेशन हो जाना कि कोई अदर डीएनए उसके साथ में एब्जॉर्ब हुआ है। तो उससे क्या होगा, ये एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इट मींस कि डीएनए अटैच हुआ है। तो प्लाक एरिया से क्या हो जाती है, कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो टेस्टिंग ईजी है। कि हमें प्लाज्मिड में क्या करना था, मार्कर जीन यूज़ कर रहे थे, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में डालकर देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरियोफेज केस में एक ऐसा क्लियर एरिया बन जाएगा, बैंड बन जाएगा, जिससे इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये बैक्टीरिया जो है इसके साथ कोई और डीएनए अटैच हुआ है। अब इसमें भी टू एग्जांपल है, बैक्टीरियोफेज में भी लैम्डाफेज एंड M13। इन दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन है? तो आंसर है लैम्डाफेज। लैम्डाफेज इज मोर वाइडली यूज देन M13। रीज़न इज कि जो लैम्डाफेज है वो बैक्टीरियोफेज है, ये तो है ही, लेकिन वो किस बैक्टीरिया पर अटैक करता है, वो है ईकोलाई। और ईकोलाई जो है वो किसी भी जो हम कहेंगे कि सेल में डिजीज कॉजिंग नहीं है, जैसे M13 है, ये साल्मोनेला का जो वायरस अटैकिंग ये वायरस है, बैक्टीरियोफेज है, तो साल्मोनेला क्या करता है, इट कॉजेज डिजीज इन सेल, बट ईकोलाई से कोई भी डिजीज नहीं होती है। तो ये लैम्डा क्या है, बैक्टीरियोफेज ऑफ ईकोलाई। और इसका जो डीएनए होता है वो लीनियर है, डबल स्ट्रैंडेड है, तो वो प्लाज्मिड जो होस्ट सेल के साथ में ईजिली बाइंड हो जाता है। एंड थर्ड रीजन इज फॉरेन डीएनए की जो डीएनए हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डिजायरेबल डीएनए है, वो उसका जो लार्ज फ्रेगमेंट भी अटैच कर सकते हैं, 24 किलोबाइट, ये तो ऊपर ही पढ़ लिया था। बट लैम्डा फेज में क्या होता है कि इसमें सेंट्रल में भी अटैच कर सकते हैं, यानी इसका जीनोम जो है फॉरेन डीएनए का जो है ये जो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को रिप्लेस करके सेंटर में ये इंसर्ट किया जा सकता है, जबकि M13 में ये जो सेंटर में ये इंसर्ट नहीं होता, ओराई की साइड में होता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है कि इसमें फॉरेन डीएनए जो है वो सेंट्रल में इंसर्ट हो सकता है। एंड अब पढ़ेंगे हम जो थर्ड फैक्टर है वो है कॉस्मिड। थर्ड फैक्टर इज कॉस्मिड। देखिए, कॉस्मिड क्या है, कॉस्मिड टू जो हम कहेंगे वैक्टर के कॉम्बिनेशन से बना है, यानी इट इज़ हाइब्रिड ऑफ प्लाज्मिड एंड लैम्डाफेज। प्लाज्मिड क्या होता है, जो बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है आइसोलेट करते हैं, एंड लैम्डाफेज इज ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, वो बैक्टीरिया है ईकोलाई। यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक दोनों के फीचर्स यूज करके एक सिंथेसाइज किया वैक्टर, दैट इज कॉल्ड कॉस्मिड। ठीक है, कॉस साइट प्रेजेंट होती है लैम्डाफेज में और प्लाज्मिड से लिया मिड, तो नेम हो गया कॉस्मिड। ये सिंथेसाइज किया था बारबरा हॉर्न एंड जॉन कॉलिंस ने। इसके कंपोनेंट क्या क्या है, देखिए प्लाज्मिड में से इसमें क्या लिया है,
ओराई, ओराई मीन्स जो ओरिजिन होता है, रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट होगा। सेकंड, सेलेक्टेबल मार्कर, ये प्लाज्मिड के ही कंपोनेंट्स हैं। सेलेक्टेबल मार्कर ये जो सेलेक्ट करता है कि वो फॉरेन डीएनए अटैच हुआ है या नहीं हुआ। थर्ड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट क्यों? क्योंकि अगर कट नहीं होगा डीएनए को, अगर जो स्पेस नहीं मिला आने के लिए, तो वो ज्वाइन कहाँ होगा? तो सबसे पहले जो प्लाज्मिड जहाँ से कट होता है उस साइट को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। और लैम्डा फेज से लिया है कॉस साइट। देखिए, कॉस साइट होने से लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं। जैसे हम ये देखेंगे कि प्लाज्मिड में ओनली 5 to 10 किलो बेस पेयर जो है, इतना ही डीएनए अटैच कर सकते थे। लैम्डा फेज में अप टू 24 किलो बेस पेयर, ये किलो बेस पेयर है, अभी मैंने किलो बाइट बोल दिया तो उसे करेक्ट कर लेना, किलो बेस पेयर डीएनए की जो यूनिट होती है। बट कॉस्मिड में 45 किलो बेस पेयर डीएनए फ्रेगमेंट्स को भी क्लोन कर सकते हैं। तो एक ये कॉस्मिड में क्या क्या कंपोनेंट्स आ गए, देखिए, ओराई, सेलेक्टेबल मार्कर जैसे टेट्रासाइक्लिन आर, एम्पिसिलिन आर एंड कोस साइट। कोस साइट देखिए क्या होगा, कोस साइट वही प्लेक, एक प्लाक एरिया बन जाएगा, एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा। कोस साइट में ही जो डीएनए यहाँ पर ज्वाइन हो सकता है, और एक इंडिकेशन मिल जाता है कि ये बैक्टीरिया से ही अटैच हो गया है ये डीएनए। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, तो प्लाज्मिड और कॉस जो लैम्डा फेज के कॉम्बिनेशन को कहेंगे कॉस्मिड। तो यहाँ हमने 3 वैक्टर से स्टडी किए, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज एंड कॉस्मिड। इसके जो अलावा भी और भी वैक्टर्स होते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, जैसे फेजमिड है, ट्रांसपोजोम जंपिंग जीन्स, दे आर ऑल्सो फॉर जंपिंग जीन्स। तो ये अदर वैक्टर भी यूज़ करते हैं। आपके सिलेबस में ये 3 हैं, इनके फीचर्स आप लर्न कर लीजिए। एक एक दो दो जो भी वन वर्ड क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वैक्टर की भी स्टडी कर ली। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे, तो उस स्टेप में हमने ये जो सेकेंड देखा था सेलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वैक्टर, वो हमारा ये टॉपिक कम्प्लीट हो गया। तो अब हम मूव करेंगे थर्ड स्टेप पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।